नमस्कार दोस्तों, रामविलास पासवान के बारे में बहुत सारी बातें इस वक्त सियासी गलियारों में घूम रही हैं, सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, क्योंकि उनका निधन हो गया है। उनके निधन से एक तरीके से शोक छा गया है सभी सियासतदानों में, पूरे देश में। जो लोग उन्हें पसंद करते थे, जो उनके समर्थक थे, सभी बहुत दुखी हैं। लेकिन इस मौके पर यह भी याद किया जा रहा है कि रामविलास पासवान की जिंदगी से जुड़े वो ऐसे कौन से पहलू हैं जिनके बारे में आज बात होनी चाहिए। ऐसा ही एक बहुत ही अहम पहलू है जो आपको शायद ही पता होगा। क्या दोस्तों आपको पता है कि रामविलास पासवान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है? नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है जो बहुत क्लोजली फॉलो करते थे सियासत को, खासतौर से उस समय की 1970 के दौर की। उन्हें ही शायद ये चीज़ पता होगी जिन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा। दरअसल आपको पता ही है कि रामविलास पासवान एक तरीके से ज़मीनी नेता रहे हैं और 1969 में पहली बार वो विधायक बने थे। लेकिन उसके बाद जब 1977 में चुनाव हुए थे आपातकाल के बाद, क्या उसमें पता है आपको कि हाजीपुर से जो छठी लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें हाजीपुर से रामविलास पासवान को उतारा गया था, क्योंकि रामविलास पासवान तब तक जेपी के और उस समाजवादी आंदोलन के बहुत प्रमुख चेहरों के इर्द गिर्द थे, मतलब उनकी नज़र में आ गए थे। और क्योंकि वो जेल में भी रहे थे लगभग एक साल तक इमरजेंसी के वक्त, बहुत प्रभावित थे वो जेपी के आंदोलन से, उन्हें आदर्श मानते थे और साथ ही साथ समाजवादी आंदोलन के एक सक्रिय सदस्यों में से एक थे रामविलास पासवान। इस वजह से उनको चुना गया था, उनको हाजीपुर से चुनाव लड़ाया गया था। और वो जब हाजीपुर से चुनाव लड़े तो क्या शानदार लड़े, उन्होंने ऐसा एक रिकॉर्ड बना दिया जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दरअसल हाजीपुर से चुनाव लड़ते हुए किसी एक लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा अंतर से जीत का जो रिकॉर्ड है वो रामविलास पासवान के नाम दर्ज है। उन्होंने उस वक्त 44,24,545, बिल्कुल सही सुना आपने, फिर से सुन लीजिए, 44,24,545 मतों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज के चुनाव में, पिछले चुनाव में आप देख लीजिए, सबसे बड़ा मार्जिन कुछ 5 से 7 लाख था जिससे चुनाव जीता गया था। लेकिन सोचिए 44 लाख के अंतर से चुनाव जीतना, वो बता देता है कि क्या कद था रामविलास पासवान का सियासत में। और ये तो उनकी शुरुआती, मतलब पहले लोकसभा चुनाव का नतीजा था। उसके बाद तो वो 8-8 लोकसभा चुनाव जीते और 6 बार वो केंद्रीय मंत्री रहे, 6 अलग-अलग सरकारों में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। और उनके बारे में हर कोई, जिससे भी आप बात करेंगे ना, हर कोई उनकी तारीफ करेगा। वो इतनी महान शख्सियत थे, पूरा देश आज उनको नमन करता है, पूरा देश आज उनको श्रद्धांजलि देता है।